गुड मॉर्निंग। टॉपिक स्केचिंग। स्केचिंग के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ ड्राइंग, ह्यूमन स्टडी। सबसे लास्ट में लाइफ स्केच बनाने का मेरा मोटो ये है कि आपकी पहले से ही एनिमल स्टडी, बर्ड स्टडी एंड ट्री स्टडी, इन चीज़ों के बाद आपका हाथ में इतनी फ्लुएंसी आ चुकी होगी कि अब आप क्विकली ह्यूमन स्टडी करने की कोशिश करो। तो पहले स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी स्केचिंग के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ओवल सर्कल से, यानी फेसेस से। फेस के लिए पहले मैं एक रफ ओवल बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, हेयर, बाकी चीज़ों को क्विकली बनाने की कोशिश करूंगी। पहले ही बता रही हूँ इसको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए नहीं करा है, स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाई है जिससे आप लाइन के फ्लो को पकड़ सकें, देख सकें। हमेशा की तरह स्केचिंग के लिए 6B पेंसिल। आप लोग स्केचिंग से काफ़ी हैबिचुअल हो चुके होंगे क्योंकि पूरा अप्रैल मंथ आप लोगों ने स्केचिंग ही करी है। यह अलग बात है कि वुमन स्टडी एंड में आई है, पहले आप लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो आपने एनिमल स्टडी, बर्ड स्टडी एंड ट्री स्टडी से किया था। मैं चाह तो रही थी कि मैं स्टिल लाइफ स्टडी भी इसी में ऐड कर दूँ, बट मैं स्टिल लाइफ स्टडी स्केच तो आप कर ही लोगे, तो मैं स्टिल लाइफ स्टडी डिटेल ड्राइंग में बताऊँगी, ठीक है। तो ये एक सिटिंग लेडी का स्ट्रक्चर। कोशिश आपको ये करनी है विद इन 1 मिनट आपका स्केच कंप्लीट हो जाए, बिकॉज अगर आप इतनी जल्दी स्केचिंग नहीं कर पाओगे तो डिटेल ड्राइंग के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें मैंने डिटेल्स नहीं दी है, सिर्फ लाइन से डिवीज़न किया है आइज़, नोज़, लिप्स का भी, और अपने आप वो एक लेडी का स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है। यही स्केचिंग है, बिकॉज अ क्विक लाइन ड्राइंग इज कॉल्ड स्केच। मैं शायद पहले बताया होगा मैंने कभी क्लास में, बट आप आगे ये याद करिए कि स्केचिंग यही है, किसी भी चीज़ को देखना है जिस पोजिशन पे वो है, हमें उसको देखकर क्विकली बनाना है। एंड इट्स डन, हाउ इज इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्केच के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगेन सबसे पहले मैं फेस का ही स्ट्रक्चर लेना पसंद करती हूँ और फिर उसके ये बैक पोजीशन मैं बता दे रही हूँ, लेकिन ये मैं मेमोरी से बना रही हूँ, मेमोरी ड्राइंग से बना रही हूँ, तो हो सकता है उतना मज़ा नहीं आए जितना सामने देखकर आता है, बट आपको लगेगा कि हाँ भाई एक अंकल है, जो एक बंदा है जो बैक साइड से हम जिसको देख रहे हैं बना रहे हैं, बिकॉज स्केचिंग का ब्यूटी ही यही है, आपको जितना नज़र आता है आपको सिर्फ उतना बनाना है, आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पर ये हो सकता है, वहाँ पर वो हो सकता है, नहीं, आप जो देख रहे हो आप वो बनाओ, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन नेक्स्ट स्केच, आप देख पा रहे हो मैं एक के बाद एक स्केचिंग बनाए जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप समझ पाएँ स्केचिंग क्या होती है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो लेसन में ज़रूर बताना चाहूँगी, 10th क्लास तो इसको करे ही, 11th 12th भी करे, और स्पेशली वो बच्चे जो फाइन आर्ट्स एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BDES है और चाहे वो BFA है, वो बच्चे प्लीज़ ये स्केचिंग के लेसन ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो आई एम सॉरी टू से दैट आप कहीं एडमिशन नहीं ले पाओगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का स्टार्ट ही स्केचिंग है। अगर आप स्केचिंग अच्छे से बना पाओगे तभी आप ड्राइंग्स बनाओगे। मेमोरी ड्राइंग के लिए भी आपका लाइफ स्केचिंग शुड बी गुड, अगर लाइफ स्केचिंग अच्छा नहीं है तो आपकी मेमोरी ड्राइंग भी आपको हेल्प नहीं करेगी। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ कि भाई कैरेक्टर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है और बच्चे क्या बोलेंगे क्या बनाए, क्योंकि मैं कोई रेजर यूज़ नहीं करना है, जहाँ गलती हो रही है होने दो, अगली ड्राइंग में उसको ठीक कर लेंगे हम। हमें ये नहीं करना है कि भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं आपको दूंगी ड्राइंग्स में, जब मैं डिटेल ड्राइंग करूंगी, जब मैं शेडिंग करके आपको दिखाऊंगी, जब मैं पोर्ट्रेट्स बनाना सिखाऊंगी, बट अभी ये स्केच है, बिल्कुल उसको स्केच की तरह ही करना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि वन बाई वन मैं एक के बाद स्केचिंग करे ही जा रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें समझें कि भाई स्केचिंग में
लाइंस का कितना यूज है. लेट्स स्टार्ट विद अनदर वन. और फिर से वही एक, आप अगर मेरा हाथों का फ्लो पकड़ पा रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि बिल्कुल क्विकली एंड कोशिश कर रही हूँ मैं बनाने की, कि फेस अगर साइड में है तो मेरी साइड लाइन कहाँ जा रही है, आईज़ के लिए मैं किस तरीके से लाइन डिवीजन कर रही हूँ, नेक पोर्शन में किस तरीके से निकाल रही हूँ, उसके हेयर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, वो चीज़ें आप देखोगे फिर बनाने की कोशिश करोगे. अच्छा, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इस वीडियो लेसन को देखकर कॉपी करने की बजाय जो आपके भाई बहन पेरेंट्स जो लोग घर में हैं कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको बनाने की कोशिश करो. पहली बात तो ये कि आपको उनको एज अ मॉडल नहीं बैठाना है. आप लाइव स्टडी नहीं कर रहे हो, आप स्केचिंग कर रहे हो. आपको उनको ये नहीं बोलना है कि आप एज अ मॉडल बैठ जाओ और हम आपको देख के कई घंटों में एक पेंटिंग बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे. नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उनको बिना बताए स्टार्ट करो. और जब वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं, लाइक आपकी मम्मी बैठकर टीवी देख रही हैं और आपने उनको बनाना स्टार्ट किया और अगर वो उठकर चली गई तो आप स्केच वहीं छोड़ देंगे. यू हैव टू क्विट राइट देयर. आपको अलग से इमेजिनेशन करके उनके हाथ पैर चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी है. हाफ स्केच है, अंडन है, चलेगा, लेकिन मेमोरी से नहीं बनाएंगे आप. स्केचिंग का मतलब ही यही है, आप प्रोपोर्शन देखने की कोशिश कर रहे हो. जब बंदा किस तरीके से बैठा है, कहाँ पे फोरशॉर्टनी का यूज़ होगा, कहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज़ होगा, वही चीज़ें तो आपको सीखनी है. जब आप वहीं पर मेमोरी ड्राइंग करने लगोगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला. तो आपको स्केचिंग में देखना है, लाइव स्केच में आपको जितना नज़र आता है वो बनाना है. क्योंकि ये ह्यूमन स्केच है, लाइव स्केच है, तो आपको एक डर भी रहेगा कि बंदा जाने वाला है, चलो भाई हम जल्दी बना लेते हैं. तो जब आप क्विकली बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ये कि वो कभी भी हिल सकता है, उसी में आपके हाथों पे फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा. इसमें इन स्केचेस के अलावा भी मैं कुछ पहले के बने हुए लाइव स्केचेस के फोटोज शेयर करूंगी और मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी कि आप उसको भी देखें. और देखने के बाद आप कोशिश करें कि भाई हाँ देखो स्केच इस तरीके से बन सकता है या बनाया जाता है. आप खुद बताओगे ये मेल है या फीमेल है. जिस तरीके से हम उसको देख रहे होंगे कि आप, मैं उसके बॉडी पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करती हूँ, बिना फेस के, बिना फ्रंट के भी पता चल जाता है वेदर आई एम ड्राइंग मेल ड्राइंग और फीमेल ड्राइंग. इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और फिर आप स्केच करने की कोशिश करिए और इट्स डन. बहुत ईजी है, आपके हाथ में है आप किस तरीके से अपने हाथों को कितना फ्लो देते हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वुमन, सो दिस इज़ योर स्केचिंग लेसन. हाँ, ये मैं एंड में बताना चाहूँगी, विक्टर पेराड एनाटॉमी ड्राइंग के लिए बेस्ट बुक है. प्लीज़ आप इस बुक को रेफ़र करें. और अब आइए रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पहले वाले स्केचिंग्स किस तरीके से बने हैं. लेट्स हैव अ लुक. ये देखिए, ओके. सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय.